मुकम्मल खाली है ये, इसको दिखाएंगे तो ध्यान देते हैं। हैदराबाद का रेलवे स्टेशन है ये, आप देख सकते हो यहाँ पे कार बाइक पार्किंग है और इसके फीस भी लगते हैं। काफ़ी रक्शे भी इधर खड़े हुए हैं, अगर देख सकते हो। यहाँ से भी टिकट कटवा सकते हो और यहाँ से आप यहाँ से भी कटवा सकते हो, इसके बैक साइड पे आप ऑनलाइन करवा सकते हो। आप देख सकते हो इसमें टिकट का तो इस बार कुछ भी इतना तो खास लिखा हुआ नहीं है। अवामी का बस ये आ रहा है, ट्रेन आ रहा है, ये पेशावर के लिए जाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हो हर कोई सफ़र में अपने लगे हुए हैं। देखते इसके अंदर कितने डब्बे, तो सामने अवामी आ रहा है ट्रेन कराची से पेशावर तक जाने के लिए। हैदराबाद स्टेशन है, पहुंच गए इस टाइम। आज इसके पहले शालीमार गिरता वो भी बिल्कुल खाली था, अब ये अवामी आ गया। चलो इसके डब्बे देखते, ये नंबर है इसका आगे जो, और इसके ऊपर नंबर भी दिया जाता है जाके हर कोई अपने प्लेटफार्म को तलाश करें। आप देख सकते हैं जनरेटर है मुकम्मल इसका। इसका ये गोदाम है, इसमें पोस्ट ऑफिस के सामान वगैरह आते हैं और देख सकते हैं मुकम्मल खाली है। कराची से पेशावर जाके हर किसी को मतलब इस बार तो सीट और ऑनलाइन बुकिंग तो उसी टाइम हो जाते हैं इसके। अवामी एक्सप्रेस है कराची से पेशावर तक, आप देख सकते हो उसके ऊपर भी लिखा हुआ है ये डब्बे नंबर 14 नंबर 15 नंबर ये उल्टे लिखे जाते हैं ताकि इसलिए हर किसी को अपना मदद आए बर्थ हो। ये देख सकते हो टायर इसके, और उसमें प्रेशर ब्रेक है, इसके टायर देख सकते हो आप वो ज़बरदस्त है। चलो इसके अंदर जाते हैं, आपको दिखाते हैं इसके। यार बहुत रश है इस पे, मुकम्मल डब्बे खाली है, आपको ले जाते हैं इसके अंदर क्या क्या सीन है, ट्रेन किस तरह के होते हैं ताकि आप लोगों को ये पता चले। चलो अगले डब्बे बैठते हैं, यहाँ पे हमें काफ़ी लेट हो जाएंगे हम लोग। ये एसी का डब्बा है, इसके अंदर एसी वगैरह होता है ताकि जो गर्मियों में इसके बैठ सके तो गर्मियों में इसके ऊपर बैठ सकते हैं। अब ये भी एसी वाला डब्बा है, चलो एसी वाले डब्बे में चलते हैं आप लोगों को। इस तरफ सीट है और अंदर इसके बर्थ भी है, बहुत ठंडे कमरे नुमा बने होते हैं, इस कंपनी के भी नंबर होते हैं। चलो ये देखते हैं, वो एसी था तो ये कौन सा सिस्टम है, ये भी एसी इसका सब ऊपर बढ़ते हैं, इसके ऊपर सामान भी रख सकते हो और सो भी सकते हो आप लोग। ये भी एसी है, चलो और भी देखते हैं आगे भी एसी है या हाँ ये एसी नहीं है। देखते हो मुकम्मल खाली है, ये एसी नहीं है ताकि एसी से इसका टिकट बहुत सस्ता है, एसी में जाना चाहते तो उसका टिकट इतना ही महंगे। चलो डब्बे तो काफ़ी है इसके, तो हम चलते हैं आपको दिखाते हैं मुकम्मल खाली है, पक्के भी चल रहे हैं आप देख सकते हो।
इस तरफ भी काफ़ी है। चलो आगे दरवाज़ा खोलते हैं इसका। ये भी एसी है, मुझे भी एसी नहीं है मेरे ख्याल से। दरवाज़ा इस तरफ भी है, दो तो दरवाजे दिए इन्होंने। मुझे एसी नहीं है। बंदे काफ़ी डबल पंखे के सिस्टम दिए हुए इन्होंने। पहलों में एक ख्याल का अपने बात का ख्याल रखना है। तो इन्होंने जेब कतरी होते थे, तो अपने जेबों से आप लोगों ने बचना है, अपने जेबों को आप लोगों ने बचाना है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल खाली है। ये मतलब एक ऊपर 1500, एक नीचे, एक बीच में, तीन तीन छः। और ये कुर्सियों में, कुर्सी भी देख सकते हो आप इन्हों के, ये इन्हों के सामान वगैरह बेचने के। हेलो, आप देख, मैंने आपको दिखाया कि अंदर से भी आप लोगों को दिखाया तो क्या सिस्टम है इनका, क्या सूरत हाल है। ये अवामी है कराची से पेशावर तक जाने के लिए। हेलो गाइस, कैसे, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आया हूँ हैदराबाद के रेलवे स्टेशन में, आप लोगों को दिखाता हूँ हैदराबाद के रेलवे स्टेशन में किस तरह, मतलब ट्रेन कहाँ से और कहाँ तक जाते। ये अवामी अभी आने वाला है कराची से, कराची से पेशावर के लिए अवामी आने वाला है। तो आज चलो आ गया, देखते हैं लड़कों सामान लोड कर रहे हैं। ये अगले इंजेक्शन, मतलब अगले रेलवे स्टेशन पर ये सामान अनलोड करके मतलब इसमें आए, तो स्टेशन की सीटी बच गए। अब ये देखो ग्रीन, ये जब इसको दिखाएंगे तो ग्रीन, जब झंडा दिखाएंगे तो ये खुद ही चलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी तक इन्होंने वो मेट्रोला के साथ, ये मेट्रोला जो सर्विस है इनके साथ ये रबते में होता है, मतलब ये ड्राइवर के साथ जिसके साथ रबते में रहेगा, तो उसके बाद ये चला जाएगा फिर। और मतलब ये बंदों को इशारा भी देंगे अब, ये उसके बाद ये चले जाए। सामान भी काफ़ी पड़े तो अनलोड करने, ये देख सकते हो लोगों ने पेटी भी लिया अपने जेब के किस चीज़ के, तो काफ़ी जो माल तो काफ़ी आया उन्होंने, देख सकते हो आप। हैदराबाद ये लास्ट आखिरी, इसका आखिरी डब्बा है। आखिरी डब्बा तो काफ़ी बड़ा नहीं है, तो आधा इसको इन्होंने, आधे में बर्थ इसको बनाया है और आधे में इसको गोदाम ये बनाया है। अभी तक टाइम तो काफ़ी हो गया, आप देख सकते हो ये इशारा कर रहे हैं इसको वायरलेस पे रिपोर्ट देने का, चले जाओ। अब चलो हम देखते हैं अब ये वापसी क्या सीन होगा इन लोगों का, चले जाओ। अवामी है, देख सकते हो सामान लोड हो गए इन्हों में, तो अब वापसी जा रहे हैं। अच्छा, ये इन्हों के घर है, इन्हों के घर में ये रहते हैं नीचे, इधर बंदे रहते हैं। ये खिड़की है, खिड़की, और यहाँ से मतलब ये शॉर्टकट रास्ता है इन्हों का, यहाँ से ये निकलते रेलवे स्टेशन के लिए। जो सरकारी इन्हों को क्वार्टर मिले, ये इस क्वार्टर है, इसके अंदर हर किसी ने अपने मतलब खिड़की को इसी तरह दरवाज़ा बनाया, तो यहाँ से ये निकलना आसान और जाना होता है। आप देख सकते हो सरकारी डब्बे, ये संदूक है। आपको मैंने किस तरह दिखाया, ये कराची से पेशावर जाने के लिए तैयार है। यहाँ से कुछ खरीदा फरोख्त वो करके खा लेते, कुछ खाने की चीज़ें आप देख सकते हो। काफ़ी सामान आते सरकारी, जो डाक में, जो पाकिस्तान के डाक वगैरह सामान आते, तो वो इसी रेलवे स्टेशन के ज़रिए आते हैं। ये बसों में नहीं आते, ये सरकारी मतलब इसी पे आते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक ये गए नहीं दफ्तर ट्रेसल पार्सल, आप देख सकते हो। जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया, काफ़ी इसके डब्बे तो काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल से 20 से भी ज़्यादा डब्बे हैं इसके, बहुत दूर तक फैला हुआ ये। रहमान बाबा पाकिस्तान ट्रेन है, देखो हैदराबाद से पेशावर के लिए रवानगी कर रहा है। काफ़ी डब्बे आगे तक दिए,
ये शालीमार के भी लगे हुए, इसमें काफ़ी डब्बे लगे हैं। जब 17, 16 ये आप देख रहे हो, ये चाक में इसके ऊपर नंबर लिखे हैं, तो यहाँ से मतलब कोई अपना बर्थ या सीट अपना तलाश करने में आसानी हो। कराची से लाहौर शालीमार, तो आखिरी डब्बा ये इसके पीछे भी है, शालीमार बना दिया इसको रहमान बाबा को इन्होंने, कराची से लाओ। ये आखिरी डब्बा है, हरे वाला शो करा इसमें ताकि ये डब्बे ख़त्म हो गए। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ताकि आपको पता चले पाकिस्तान रेलवे किस तरह है और पाकिस्तान सरकारी जो रेलवे है, आवामी, वो आपको किस तरह लगा।